So, सही बात दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो जैसे थंबनेल में देखा कि 150 के लेंस के द्वारा अपने वीडियो को DSLR जैसा शूट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपने सही सुना है और इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। तो आपको मैं दिखा दूं कि कुछ ऐसा लेंस है, उसकी पूरी अनबॉक्सिंग में आपको दिखाऊंगा। तो ये सब इसके अंदर की मिलती चीजें, तो ये सब आप देख लीजिए। अभी बाकी सारी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल ओजस मेरा चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही में वीडियो को लाइक कर दिए ताकि आपकी इस दोस्त की वीडियो ज़्यादा हाई रेटिंग पे जाए, और साथ ही में कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बात करते हैं इसके रिव्यू की कि ये 150 में क्या आपकी वीडियो को ब्लर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पैकेट दिया गया है, यूनिवर्सल क्लिप लेंस है। तो इसको खोलते हैं और चलिए देखते हैं आगे अंदर क्या क्या यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी फोटोज आप देख सकते हैं कि अच्छा कुछ अंदर यहाँ पे होने वाला है। तो अब चलिए देख लेते हैं बैक में। यहाँ पे कुछ इमेजेस इन्होंने शो किए हैं कि फिश आई, माइक्रो एंड वाइड एंगल से ऐसी ऐसी इमेजेस देखने में मिलेंगी। तो अभी हम चेक करेंगे कैसे देखने में मिलेंगी, उससे पहले जान लेते हैं कि अंदर क्या क्या हमें देखने में मिल सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे कवर दिया गया था इसको ढकने के लिए, यानी पैकेजिंग कुछ ऐसी दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर कंटेंट कुछ ऐसा है, साथ ही में एक पॉकेट दी गई है। इसके अंदर आप अपने लेंसेस को कैरी कर सकते हैं, यानी एक कैरी बैग है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, यहाँ पे कैरी बैग दिया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की। तो यहाँ पे दी गई है होल्डर, यहाँ पे एक क्लिप है जिसको आप अपने मोबाइल पर लगाएंगे और इसी में अपना लेंस फिट करेंगे। तो इसकी बात में आगे बात करते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो बात कर लेते हैं अगली चीज़ की जो यहाँ पे देखने मिल जाएगी, वो यहाँ पे दिया गया एक लेंस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लेंस दिया गया, साथ ही में इसके ऊपर ये यहाँ पे कवर लगा है और ये अंदर इसके अंदर लेंस दिया गया है। तो यहाँ पे दो लेंस है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक माइक्रो एंड वाइड एंगल लेंस दिया गया है। साथ ही में बात कर लेते हैं अगले लेंस की। तो अगला लेंस देखते हैं कुछ ऐसे ही हमें देखने मिलेगा, वहाँ पर भी आपको यहाँ पे एक कैमरा लेंस के ऊपर एक कवर देखने मिल जाएगा, साथ ही में नीचे एक लेंस देखने मिल जाएगा जो कि यहाँ पे फिश आई लेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस आई लेंस है और जिसका अपर्चर 180 डिग्री यानी 180 डिग्री कर्व इमेजेस को कैप्चर करने वाला है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल चुकी हैं। अब एक एक की बात करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा देखने मिलेगा लेंस हमें, और साथ ही में यहाँ पे दो लेंस दिए गए, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.67x यानी 0.67 टाइम्स ये वाइड करेगा इमेजेस को, यानी जूम करेगा। साथ ही में यहाँ पे माइक्रो लेंस दिया गया था साथ ही में। तो अब आपको मैं बता दूं कैसे क्लिप में यूज करना है लेंस को। तो ये देख सकते हैं कि ये क्लिप दी गई है और मान लेते हैं ये एक हमारा कोई लेंस है। तो इस लेंस को यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है और आपको एक ऐसे डायरेक्शन में टाइट करना है जिससे टाइट हो जाए। तो इस तरह से टाइट कर देना इस क्लिप पे और ये क्लिप अपने मोबाइल पर यूज कर लेनी है। तो चलिए अब एक एक लेंस की बात करते हैं, एक एक रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमको माइक्रो इमेजेस लेनी है तो हमको केवल माइक्रो लेंस यूज करना होगा, लेकिन अगर वाइड इमेजेस लेनी है तो वाइड और माइक्रो दोनों कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैक्रो लेंस की क्वालिटी को। तो कुछ इस तरीके से फिट कर लिया लेंस को अपनी क्लिप पे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि टाइट आपको फिट करना है लेंस को, टाइट फिट करनी है क्लिप आपको अपने मोबाइल पे। तो चलिए यहाँ पे लेंस फिट हो चुका है, क्लिप अपने मोबाइल पे फिट कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा हमें देखने मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको फिट कर लिया है और ये फिट होने के बाद कुछ ऐसा देखने मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे सारा सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये माइक्रो लेंस है। माइक्रो लेंस का मतलब होता है जो स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट्स यानी बिल्कुल माइन्यूट चीज़ों को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा बिल्कुल बाहरी इलाका है, मतलब ये ऊपर से दिख रहा है, यहाँ पे सब बिल्डिंगें दी हुई हैं, घर हैं, और ये सारे आपको धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, यानी ये लेंस में कुछ दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो चलिए इसको क्लोजर टू द अर्थ सर्फेस यानी कुछ बिल्कुल नज़दीक ले चलते हैं चीज़ों के, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं पास से कैसा देखने मिलता है। ये छोटा सा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे मैं इसके पास में ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ये मेरे हाथ की रेखाएं, आप देख सकते हैं कितनी माइन्यूट चीज़ों को कितना सही से ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी अच्छी क्वालिटी आ रही है। कुछ पेड़ की बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली रेशे हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतर क्वालिटी आ रही है। अभी मैं आपको जूम हटा के मतलब लेंस हटा के दिखाता हूँ कि क्या बाहर का नज़ारा है और क्या लेंस लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जितना आप क्लोज करेंगे किसी चीज़ के पास, यानी बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ें जो आप ऐसे बिना इस लेंस के नहीं देख सकते, अपने मोबाइल के थ्रू नहीं देख सकते, वो इस लेंस लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि देखिए कितना माइन्यूट सी चीज़ें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। ये कुछ यहाँ पर देखने में मिल सकते हैं, थोड़ा उसमें पेड़ में ये फूल टाइप का निकला है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बिल्कुल माइन्यूट सा है। भैया आप देखिए ये पेड़ था जिसको मैं लेंस के थ्रू दिखा रहा था, अब मैं अपना मोबाइल पास में ले जाता हूँ तो नहीं देखिए वीडियो ब्लर हो जाती है। तो ये थी इसकी क्वालिटी जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी दी गई है। तो अब चलिए यूज करते हैं यहाँ पे वाइड एंगल पिक्चर्स को कैप्चर करना। तो अब मैं आपको बता दूँ कि किस तरह आपको वाइड और ये जो हमारा
माइक्रो लेंसेज दोनों को कंबाइन करने, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इस तरह से अगर लगाएंगे तो ये फिट नहीं होगा, लेकिन आपको सही डायरेक्शन मैंने बताया किस तरह आपको लगाना है तो ये लेंस फिट होगा। तो इस तरह दोनों लेंस एक दूसरे के ऊपर लगने के बाद थोड़ा प्रेस करने के बाद टाइट कर देंगे तो इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अब ये जो लेंस है वाइड एंगल लेंस के थ्रू तरह बिहेव करेगा। वाइड एंगल का मतलब होता है हमारी जो दूर की चीज़ें हैं उनको पास थोड़ा कर देना, यानी थोड़ा जूम कर देना। तो आप देख सकते हैं कि ये लेंस हटाने के बाद कितनी क्लियरिटी आती है और लेंस लगाने के बाद कितना धुंधला हो जाता है, यानी लेंस से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे 0.67% मतलब 0.67 गुना यहाँ पे लेंस जो है वो टाइम से ये जूम कर रहा है, तो यानी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस लेंस का जूम पे। और ये देख सकते हैं मैं उंगली जहाँ पे दिखाया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क सर्कल आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लेंस का जो अपर्चर है ज़्यादा बड़ा है और कैमरे का छोटा है, इसलिए यहाँ पे ये कोने पे आपको डार्क सर्कल देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत बेकार लगते हैं। तो बिना लेंस के आप क्वालिटी देख सकते हैं और ये लेंस के बाद लगाने के बाद क्वालिटी देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। इससे अच्छा तो हमारे मोबाइल का कैमरा ही शूट कर रहा है वीडियो को, तो इस लेंस में कितनी घटिया क्वालिटी आ रही है भी देख सकते हैं, तो यानी इस लेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब चलिए इस लेंस को हटा देते हैं और अब यूज करते हैं अपना तीसरा लेंस जो हमें यहाँ इस पॉकेट में दिया गया है, जो है फिश आई लेंस। तो फिश आई लेंस का यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं यह फिश आई लेंस यूज जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस वो कर्व्ड नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं कि ये दीवार है ईंटे की और ये सब चीज़ जो यहाँ पे कर्व्ड आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब कर्व्ड आ रही हैं, आप कुछ भी देखिए सब कर्व्ड आ रहे हैं, यानी थोड़ा उभरा हुआ आता है, एज अ सर्कल के फॉर्म में आता है, सर्कुलर इमेजेस हो जाती हैं। तो आप इसमें भी देख सकते हैं पैचेस आ रहे हैं गोल गोल ब्लैक ब्लैक, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, लेंस लगाने के बाद सब धुंधला हो रहा है और ये ब्लैक ब्लैक कोने पे इसके सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत बेकार लगता है वीडियो। तो गाइस ये सब आपने देख लिया और इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ये दिया गया अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इतनी जो प्राइस है मैं दिखा रहा हूँ इस प्राइस में अच्छा कपड़ा यहाँ पे दिया गया, इसके अंदर आप सारी अपनी इन सब चीज़ों को रख सकते हैं और ये सारा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी क्वालिटी, सब मैंने आपको दिखा दी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 150 में तो आपका ब्लर नहीं हो सकता। अगर आपको ये चाहिए कि आपकी वीडियो में ब्लर बैकग्राउंड आए, यानी आपकी वीडियो जो शूट हो वो ब्लर बैकग्राउंड या शूट हो, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा जो लेंस लेना पड़ेगा वो टेलीफोटो लेंस लेने पड़ेंगे जो कि 500 से ऊपर अगर आप लेंगे तो आपको बढ़िया इफेक्ट बढ़िया आपको क्वालिटी देखने मिल जाएगी। तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है और आपके लिए मैं उसकी वीडियो जरूर लेंस वो आ जाएगा और उसकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि 500 से एबव लेंस जो है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो इस क्वालिटी इस बैक इस लेंस से तो आप ब्लर नहीं कर सकते, यानी 150 से तो आप नहीं कर सकते, सिंगल आप मैक्रो पिक्चर्स को शूट कर सकते तो काफ़ी बेहद अच्छी मैक्रो शूटिंग्स मैक्रो पिक्चर्स आएंगी। तो अगर आपको कोई दिखाता है, अगर आप थंबनेल में यूट्यूब पे कोई भी लिख के देता है कि 150 में भाई ये ऐसा हो जाएगा, तो कतई विश्वास मत कीजिएगा कि ये वीडियो रियल है। One more remix.